अरे हाँ, भी नजर करिए देश ना टॉप 9 न्यूज पर। ममता बेनर्जीए तीजी वक्त पश्चिम बंगाल मुख्यप्रधान पदना शपथ ग्रहण कर्या, तो समारोह में पण बंगाल में थई रहेली हिंसा नो मुद्दो छवायो हतो। समारोह में राज्यपाले ममता बेनर्जी ने टकोर करता कहू कि आपणी प्राथमिकता ए होवी जोईए कि वगर कारणे थई रहेली हिंसा नो अंत थाय। पश्चिम बंगाल मुख्यप्रधान ममता बेनर्जीए राज्यना डीजीपी और एडीजी ने बदली नाख्या छे अने तमाम एसपी ने हिंसा रोकवा माटे आदेश आपी दीधो छे। नंदीग्राम बैठक में ममता बेनर्जी ने मात आपनार भाजप नेता शुभेंदु अधिकारी कहू कि वर्तमान समय में राज्य की स्थिति खूब गंभीर है, अरे विभाजन समय जेवी स्थिति है तेवी स्थिति जोवा मळी रही छे। पश्चिम बंगाल में भाजप कार्यकरो और नेताओं पर सतत हुमला थई रहा है, तरह आसाम भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्माए दावो कर्यो छे कि हुमलाना भय ना कारणे 400 जेटला भाजप कार्यकरो और तेमना परिवारनो आसाम में प्रवेश्या छे। देश में सतत बढ़ी रहे कोरोना संक्रमण की वजह कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार ने निष्फल गणावी छे, कहू छे कि नहीं वेक्सिन के नहीं रोजगार, तद्दन फेल छे मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्टे मराठा अनामते लईने महत्वनो निर्णय संभळाव्यो छे। कोर्टे शिक्षण अने नौकरी क्षेत्रे मराठा अनामते गैरबंधारणीय ठेरवी छे। कोर्टा चुकादा प्रमाणे हवे कोई नवी व्यक्ति ने मराठा अनामतना आधार पर कोई नौकरी के कॉलेज में सीट नहीं आपी शकाय। कोरोना वायरस ने बीजी लहर थी लड़वा माटे आरबीआईए रूपया 50,000 करोड़ की मदद एलान कर्यु छे। आ लोन वेक्सिन उत्पादकों आयातकारों होस्पिटलों पेथोलॉजी लैब वगैरह ने आपवामां आवशे। भारतीय वायुसेनाए वधु मजबूत करवा माटे वधु एक 3 राफेल लड़ाकू विमानो सामिल करवामां आवशे। राफेलना वधु 3 विमानो भारत आवा रवाना थई गया छे। एक रिपोर्ट में दावो करायो छे कि चीन हवे ऊंडाणवाड़ा विस्तार साथे एलएसी पर सैन्य शक्ति वधारी रह्यु छे। पड़ोशी आ पगला सरहद पर स्थिति सामान्य थवाना संकेत नहीं मिली रहा।